फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कासनी फैशन। फ्रेंड्स, आज एक कॉटन की कुर्ती बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका नेक पैटर्न तैयार करूँगी, तो मैं आज के वीडियो में इसका नेक पैटर्न दिखाऊँगी। तो ये मेरे पास बहुत ही प्यारी सी प्रिंट की, राजस्थानी प्रिंट की एक फैब्रिक पड़ी है। मैं इसी पे आज नेक पैटर्न बनाऊँगी। इसके लिए मैंने ये ऑरेंज लेस लिया है, ये ट्रायंगुलर लेस लिया है, ये छोटी सी एक ऑरेंज पॉकेट की पीस ली है, गोल्डन गोटा लिया है, एक ये कलर्ड लेस लिया है, और साथ में मिक्स एंड मैच करने के लिए ये गोल्डन ट्रायंगुलर और ये सिल्वर ट्रायंगुलर लेस लिया है। तो जो इस पर फिट होता जाएगा उसको लगाती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर मेज़र कर लिया है। सेंटर मेज़र करने के बाद हमारे जो नेक है वो 7.5 इंच है, तो मैं इसको 7.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, जिसके लिए मैंने ये गला पहले से बना रखा है। ये हमारा यहाँ तक का नेक है, और यहाँ रख के मैं इसे एक टॉप जो इसकी वो फ्यूज़ पेपर लगा के मैंने स्टिच किया है, उस पर मैं डार्क कलर से इस पर मार्क करूँगी, जिससे कि उसका मार्क नीचे तक आ जाएगा। इसे मैंने टैप कर लिया, एक मुझे मोटा मोटा सा मार्क चाहिए था कि कहाँ तक मुझे लगाना है। तो ये देखिए, ये मार्क हो गया है, अब मैं यहाँ तक लगाऊंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं गोल्डन लेस से शुरू करूँगी, ऑरेंज एंड गोल्डन लेस से शुरू करूँगी। इसी प्रोकेट के कपड़े पे मैंने इस लेस को इस तरीके से अटैच कर दिया है। इसको मैं चारों तरफ से कवर कर दूँगी। ये मजेंटा और ऑरेंज कलर का मिक्सचर है, मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसे काफ़ी अच्छे तरीके से फोल्ड करना होगा, जिससे कि इसका कॉर्नर बहुत ही सुंदर लगे। अगर कॉर्नर सही नहीं बना तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं एक रेडीमेड कुर्ती की तरह बनाऊँ, तो मुझे रेडीमेड कुर्ती की तरह बनाने के लिए इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी जब भी बनाएं तो कम से कम इसके कॉर्नर पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि कॉर्नर में ही इसकी ब्यूटी है नेक पैटर्न की। अब मैं इसे यहाँ अटैच करूँगी। के बाकी के पीछे हिस्से को मैं कट कर दूंगी। यहाँ इसको बराबर पे ले आऊंगी। अब इसके सेंटर पे मैं ये लगाऊंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत सुंदर राजस्थानी पैटर्न टाइप में बनकर तैयार हो जाएगा स्टिच करने के बाद। बस मुझे प्रोकेट की ज़रा सी ही यूज़ करनी थी। मेरी जो कुर्ती का कपड़ा है वो काफ़ी लाइट है, तो ये उसको थोड़ा क्लासी बनाएगा। यहाँ भी हमें ध्यान से टर्न करना है, ध्यान से बनाना है, ताकि ये बिल्कुल कॉर्नर इसका सही रहे। ये हमारा सेंटर का पैक बनकर तैयार हो गया। इसे हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कुर्ती का सेंटर पार्ट लिया है। अब मैं इसे मेजर करूँगी, क्योंकि मुझे 7.5 लेना है, तो यहाँ मैंने मार्क कर रखा है जिसका 7.5 यहाँ आता है। तो अगर मैं यहाँ से 7 लूँ तो मेरा 7.5 हो जाता है, तो मुझे ये पैच जो है 6.5 या 7 से लगाना होगा।
इसके लिए मैं छोटा सा मार्क कर दे रही हूँ कि मुझे कहाँ से लगाना है। हालांकि ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने टिक किया था मेरा फ्यूज पेपर बुकरम जो भी है वो यहाँ तक आएगा, नेक मुझे यहाँ से पलटना है, तो मैंने इसके ऊपर 1 इंच से ये स्टिच करने के लिए टिक मार्क कर दिया है। मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी। मैंने इस कपड़े को प्रेस कर लिया था जिससे कि मुझे इसको इसका सेंटर पता करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फिर मुझे पैच लगाने के अंत में इसे उधेड़ना ही है। ये मेरा सेंटर पार्ट हो गया और ये जो है प्रेस पे मैं हल्का सा निशान लगा लेती हूँ क्योंकि मैंने इसे बीच से प्रेस कर लिया था तो मुझे सेंटर पार्ट पता करने में आराम होगा। अब मैं इसके सेंटर पार्ट को यहाँ पे लगाती हूँ और इसे मैं स्टिच करना शुरू करती हूँ। बिल्कुल ही सही जगह पे फिट हो रहा है। आप चौक से भी तार लगा सकते हैं और ये प्रेस से भी निशान बना सकते हैं। मैंने प्रेस करके निशान बनाया था। फ्रेंड्स से मैंने लगा लिया है, ये देखिए ये काफ़ी प्यारा लगने लगा है। अब मैं इस पर एक लाइन स्ट्रैंगलर लेस की लगाऊंगी। ये मैंने नेक का मैंने जहाँ पे मार्क किया था उसके थोड़े आगे से लगाऊंगी जिससे कि हमारे जब मैं नेक पलटूं तो ये आराम से इसमें स्टिच हो जाए। इसे मैं इसके बिल्कुल बगल से लगाऊंगी। ये देखें, इसे मैं पूरा लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने इसके चारों तरफ ये ट्रायंगल लेस लगा दिया है। अब इस की थोड़ी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए मैं इसके आसपास थोड़ी थोड़े गैप पे गोल्डन लेस लगाऊंगी, गोल्डन गोटा। ये सिंपल से कपड़े को बिल्कुल गॉर्जियस और रेडीमेड लुक देना ही मेरा मोटो है तो मैं इसे काफ़ी सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल जो शॉप पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं एक्सपेंसिव लुक देना मेरा मोटो है। इस कोटे को थोड़ा खींच के लगाना होता है अदरवाइज ये सिकुड़ता बहुत जल्दी है। अब मैं इसको यहाँ से टर्न कर दूंगी। काफ़ी अच्छे से टर्न हो गया। इसको यूँ टर्न करेंगे, थोड़ा इसके कॉर्नर को सही रखना पड़ेगा इसलिए हम इसका कॉर्नर मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी पीछे भी लगाऊंगा स्टिच और अभी रेडी हो गया। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से सफाई से लग जाएगी और ये जितनी सफाई से लगेगी उतना ही इसमें गेटअप सुंदर आएगा। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये पतला गोटा लगा लिया था बिल्कुल बारीक सा। अब मैं ये ट्रायंगुलर लेस देने जा रही हूँ जिससे कि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने इसको थोड़ी सी गैप करके दिया है, मैंने पतला गोटा भी थोड़ा गैप करके लगाया, इसको भी थोड़ा गैप करके लगाया जिससे ये जो बेसिक कलर है वो दिखता रहे। ये देखिए ये काफ़ी प्यारा लगने लगा। तो फ्रेंड्स एक सिंपल से कपड़े को कैसे सुंदर बनाएं यही मेरे बताने का ये मोटो रहता है कि आपको भी ये पता चले कि आप भी ये अपने घर पर कर सकती हैं।
इसे मुझे कॉर्नर को अच्छे से फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ भी थोड़ा गैप बनाना होगा जिससे मुझे नीचे का बेसिक कपड़ा नज़र आए। इस टैपी का कलर काफ़ी मतलब रखता है इसके बीच में, बहुत ही प्यारा लगता है। अब मैं इस जगह पर भी थोड़ा सा इसको टर्न करके गैप रखूँगी। ये जो लेस है, ये समोसा लेस का थोड़ा बड़ा साइज़ है, ट्रायंगल लेस जो है, और ये काफ़ी अच्छे से टर्न हो जाता है। इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है इसको स्टिच करना। और ये कई तरीके की लेस लेने के बाद ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सुंदर सा तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते ये एक प्लेन का फैब्रिक जो कि ऐसा दिख रहा था, देखते ही देखते इस तरीके के नेक पैटर्न में बदल गया। तो आप इसे ट्राई करना नहीं चाहेंगे, ये काफ़ी खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये नेक पैटर्न। अब मैं इसका नेक बनाकर इसे पलट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके नेक को यहाँ सेंटर में लगा लिया है और यहाँ मैं इसे स्टिच करूँगी। एक यहाँ पे सबसे पहले कच्ची सिलाई डालूँगी, उसके बाद मैं इसके नेक को पूरा स्टिच करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसके बारीक सिलाई लगानी शुरू कर दी है, जस्ट इसके फ्यूज़ पर, जस्ट बगल से। और पूरी सिलाई लगाने के बाद हम बीच का वो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, उसके बाद हमारा नेक पैटर्न ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने बीच में स्टिच लगा दिया है, इसीलिए मुझे इसको सिलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये देखिए, आराम से बन गया। ये बिना निडल निकाले ही टर्न करने से सही रहता है, निडल निकालने से ये खिसक जाता था, इधर उधर हो जाएगा। और ये मैंने स्टिच लगा दिया। अब मैं इसके बीच का कपड़ा जो है ये निकालती हूँ। ये मैंने इसके बीच के कपड़े को निकाल दिया। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि ये आराम से कर्व हो जाए। इसके अंदर लेसेस पड़ी हैं इसलिए ये थोड़ा दिक्कत करेगा, हमें बिल्कुल ध्यान से काटना है ताकि स्टिच पे ना लगे। जहाँ पे मोटी लेसेस हैं वहाँ थोड़ी संभल के काटना ताकि स्लिप ना हो, क्योंकि ये जगह काफ़ी थिक हो गई है। ये तो मैंने नोचेस लगा दिए हैं, अब मैं इसके सेंटर वाली सिलाई भी निकाल दूँगी। अब ये नेक को ऐसे करके टर्न करेंगे और इस पर एक मैं फाइनल स्टिच लगाऊँगी, टॉप स्टिच, जिससे कि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह बनकर तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपल सा कपड़ा काफ़ी सुंदर हो गया। तो मैं यहाँ पे इसके स्टिच लगा के दिखाती हूँ। नेक पैटर्न बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, इसकी कंप्लीट व्यू के लिए इस पे जो ब्लॉक प्रिंट्स हैं ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मैंने पूरे ब्लॉक प्रिंट को सिंपल रखा है और सिर्फ नेक पे डिज़ाइन किया है। और उसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी सारे लेसेस यूज़ किए हैं। ये सारे लेसेस अलग अलग हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने लेसेस हैं सारे अलग अलग हैं, और मैंने इस तरीके से इसे नया लुक देने की कोशिश की है। ये इतना प्यारा लग रहा है इतनी दूर से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा शाइनी हो रखा है, शाइनी होने की वजह से ये अगल बगल इसके हेलो निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एक ऐसा पैटर्न बनाइए और बहुत ही प्यारा इस तरीके की प्रिंटेड कॉटन पे जो आजकल निकला हुआ है, काफ़ी कॉस्टली कमीज़ें आ रही हैं, तो आप घर पे ऐसा बना के अपने सिंपल क्लोथ को भी कॉस्टली बनाइए। और ये जयपुरी प्रिंट के साथ ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अगर आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं दोगुनी एनर्जी के साथ फिर से दूसरे दिन एक नया पैटर्न लेकर आती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए बाय बाय।